तो गाइज हमने YouTube पे एक वीडियो को अपलोड किया था जहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैसे आप वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू आप अपने एडवांस फीचर को कैसे इनेबल करेंगे। वहाँ हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था। वैसे गाइज एडवांस फीचर को इनेबल करने के लिए हमारे पास तीन वे है। फर्स्ट, आप वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू आप इसे इनेबल कर सकते हैं। सेकंड होता है वैलिड आईडी, जहाँ पर आपको अपना एक डॉक्यूमेंट देना होता है जिसके थ्रू आप एडवांस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। थर्ड होता है चैनल हिस्ट्री। तो गाइस जो हमने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, वो लोग बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये वैलिड आईडी से करने में प्रॉब्लम आ रही है, और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू या फिर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट देकर इसे क्यों इनेबल करें। सभी लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका जो एडवांस फीचर होगा वो बिना डॉक्यूमेंट के बिना किसी वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू इनेबल हो जाएगा। तो गाइस जब आप एडवांस फीचर पर जाते हैं तो सबसे थर्ड नंबर पर एक आपको चैनल हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस इस फीचर के थ्रू आप आसानी से अपने एडवांस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो इस फीचर का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस जब आप YouTube चैनल को ओपन करेंगे, और YouTube चैनल ओपन करने के बाद जब आपके चैनल पे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और आप जब 2 महीने के अंदर आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं होगा, आप YouTube पे सही तरीके से वीडियोस अपलोड करते हैं, तो गाइस आपका जो एडवांस फीचर होता है वो ऑटोमेटिक ही इनेबल हो जाएगा। एक रूल यहाँ पर ये भी है कि आपने अगर एडवांस फीचर को वीडियो वेरिफिकेशन से या फिर वैलिड आईडी वाले ऑप्शन से इनेबल किया है, तो गाइस जैसे ही आपके चैनल पे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपका वीडियो होगा या फिर आपने किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू जो उसे अगर इनेबल किए होंगे तो 2 महीने बाद वो आपका डिलीट हो जाएगा, और जो आपका चैनल हिस्ट्री से ऑटोमेटिक आपका एडवांस फीचर इनेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट के बिना वीडियो वेरिफिकेशन के अगर आप इस एडवांस फीचर को इनेबल करना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल हिस्ट्री के थ्रू इनेबल कर सकते हैं। बस आपको 2 महीने वेट करने पड़ेंगे, आप अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये जानना है कि ये इस फीचर को इनेबल करने से क्या क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखा है, तो जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वो वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फायदे हैं इस एडवांस फीचर को इनेबल करने का। तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो वेरिफिकेशन या फिर वैलिड आईडी से अगर एडवांस फीचर को इनेबल करने में प्रॉब्लम है तो आप चैनल हिस्ट्री के थ्रू इसे इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आज का इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको ये पूरा डिटेल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो में कहीं पर कोई डाउट हो तो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमसे अगर आप ज़्यादा कांटेक्ट होना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है techplaza01, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। यूट्यूब पे मैसेज करने से अच्छा वहाँ पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल में आपको मैसेज के थ्रू आपको पूरा हम अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। तो गाइस आई होप आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।